गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। कल हमने देख लिया था कि महाराष्ट्र और गोवा का जो सेट होता है उसकी डेट आ चुकी है कि 2021 में वो कब होने वाला है, और उसकी डेट दी गई है 26 सितंबर 2021। ये जो एग्जामिनेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिया जाता है, और इसके बारे में आज हम पूरी तरीके से डिटेल देखने वाले हैं इन ऑल की क्या सिलेबस होता है, किस तरीके का पेपर होता है, पूरा हम अच्छे से इसके बारे में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। अगर हम सबसे पहले देखें तो ये एग्जामिनेशन कितने सब्जेक्ट के लिए होता है, टोटल 32 सब्जेक्ट्स के लिए होता है जिनमें से लाइफ साइंस भी एक है, और 15 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे जाके आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, 15 सेंटर्स आप भर सकते हैं उनमें से आपके जो भी नज़दीक वाला सेंटर होगा। तो यहाँ पे हमने कल भी देख लिया था कि सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स नहीं दे सकते हैं, बाकी सारे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स भी इस पेपर को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आगे अगर हम देखें तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने कहा टोटल 32 सब्जेक्ट्स होते हैं, पूरे के पूरे 32 सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो भी लगता है अगर आप लाइफ साइंस के अलावा हैं। और अगर हम लाइफ साइंस की बात करें तो लाइफ साइंस का कोड है 34 कोड। अगर हम इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें जो कैंडिडेट है उसके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट वो सेट में सेलेक्ट करेगा ना वही सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लाइफ साइंस सेलेक्ट किया तो आपको जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब में से एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में से एक होना चाहिए, मतलब बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। द कैंडिडेट्स हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर फॉरेन डिग्री अवार्डेड बाय फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये सब भर सकते हैं, इन शॉर्ट यहाँ पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि द कैंडिडेट्स अदर देन एसटी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, डीटी, एनटी, ट्रांसजेंडर कैटेगरी, उन सबको एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए उनकी मास्टर्स की डिग्री में कोई राउंडिंग ऑफ करे बगैर। उसी के साथ साथ जो ओबीसी, एसबीसी, डीटी, एनटी है और नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, ट्रांसजेंडर्स, बीडब्ल्यूडी, इन सब के लिए 50% एटलीस्ट होना चाहिए, यानी कि 5% की यहाँ पे छूट दी गई है। उसी के अलावा इन मास्टर्स डिग्री और फिर ये जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं ओबीसी, डीटी, एनटी, एसबीसी, इन सब में से किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गोवा में रिकॉग्नाइज हो, तभी ये माननीय होगा, नहीं तो फिर ये माननीय नहीं होगा। उसके बाद है द कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग इन द फर्स्ट ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स को जनरली डाउट रहता है कि मैम अगर हम पहले साल में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में, तो हम दे सकते हैं क्या एग्जाम या नहीं दे सकते। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है द कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ टू ईयर मास्टर्स कोर्सेज और इन द फर्स्ट टू सेमेस्टर्स ऑफ फोर सेमेस्टर कोर्स ऑफ मास्टर्स डिग्री और स्टडिंग इन फोर्थ ईयर ऑफ फाइव ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल टू अपियर इन दिस टेस्ट। यानी कि अगर आप पहले साल में हैं, अगर आपका जो एमएससी है वो दो साल का है और उसमें आप पहले साल में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, तो आप ये एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड मास्टर्स कर रहे हैं और पाँच साल की आपकी मास्टर्स और आप फोर्थ ईयर में है तो भी आप नहीं दे सकते, यानी कि इधर आप फिफ्थ ईयर में होने चाहिए तो आप दे सकते हैं, या फिर आप सेकेंड ईयर मास्टर्स में होने चाहिए अगर दो ईयर का कोर्स है तो। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि सच कैंडिडेट्स मट ये सब, यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि कैंडिडेट्स जो है उनको पूरा इस तरीके से करना पड़ेगा, 55% और 50% लाने पड़ेंगे। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, द कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स, यानी कि जो महाराष्ट्र और गोवा से बिलोंग नहीं करते उसके अलावा अगर बिलोंग करते हैं, बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरीज शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। यानी कि महाराष्ट्र और गोवा के अलावा किसी स्टेट से, आप राजस्थान से, हरियाणा से, केरला से, कहीं से भी हैं, तो आपको एज अ जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा भले ही आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो वो उस हिसाब से आपको जनरल कैटेगरी में। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट्स के बारे में मेंशन किया जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया था, और यहाँ पर उन एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए जैसे गवर्नमेंट मांग रही है। इसी के अलावा यहाँ पर आता है कि क्या कोई अपर एज लिमिट है, बिल्कुल भी नहीं, कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप कितनी भी उम्र के हो आराम से आप ये जो सेट का एग्जाम है दे सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर है कि कैंडिडेट्स जिन्होंने पास किया है एमएससी रिसर्च में या फिर पेपर विद रिसर्च में, तो वो एलिजिबल नहीं है सेट एग्जाम देने के लिए, पार्शियल पेपर हो, पार्शियल रिसर्च हो, नहीं दे सकते, या फिर सिर्फ रिसर्च में भी दिया है तो भी आप नहीं दे सकते हो सेट का एग्जामिनेशन, आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ई सर्टिफिकेट वगैरह ये सब इन्होंने दिया है, यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ सेट दी रखी है, अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप यहाँ पर रुक के पॉज करके वीडियो आराम से पढ़ सकते हैं सारी रिजर्वेशन पॉलिसीज को।
अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, ये हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, इसके बाद अगर हम देखें तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होती है, भाई एग्जामिनेशन लिया कैसे जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें कितने पेपर्स होंगे, दो पेपर होंगे। नेट में हमारे से फेक होता है, लेकिन इसमें टोटल दो पेपर्स लिए जाते हैं और दो सेपरेट सेशन होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो पहले सेशन में होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस, और सारे कंपलसरी हैं। ऐसा नहीं है आपके लिए कोई भी कंपलसरी नहीं, सारे कंपलसरी और सारे 2 मार्क्स के होते हैं। यानी कि इन टोटल ये 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, और कितने आर का पेपर है, 1 आर का होगा, 10 AM to 11 AM, टाइमिंग भी फिक्स है। सेकेंड जो पेपर है वो उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, सारे कंपलसरी हैं, 2 मार्क्स ईच, यानी कि 200 हो गया। यानी कि दोनों को मिला के टोटल कितने मार्क्स का पेपर है, 300 मार्क्स का पेपर है। सेकेंड पेपर जो है वो 2 आवर्स का होगा, 11:30 to 1:30 PM, यानी कि ज़्यादा कुछ ब्रेक आपको मिलेगा नहीं बीच में। यहाँ पर दोनों ही पेपर में 4 कोड्स होंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कोड मिल सके। ABCD 4 कोड्स यहाँ पर मिलते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें पेपर वन में क्या आता है, पेपर वन में जनरल एप्टीट्यूड आएगा, टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो कि अभी हम देख भी लेंगे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपके सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, जो कि हर सब्जेक्ट वालों के लिए सेम होगा। वही भले ही वो मैथमेटिकल साइंस हो, लाइफ साइंस हो, बायोलॉजिकल, मतलब लाइफ साइंस हो, केमिकल साइंस हो, कोई भी हो, सबके लिए पेपर वन जो है वो सेम है, क्योंकि उसमें जनरल एप्टीट्यूड, टीचिंग, रिसर्च, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है। वहीं अगर हम पेपर टू में देखें तो पेपर टू जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन से, जैसा मैंने कहा, और वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरा लाइफ साइंस है, तो मेरा लाइफ साइंस का यहाँ पर वो पेपर रहेगा। इसमें भी आपको डिफरेंट सेट्स मिलेंगे, उसके हिसाब से डिफरेंट आपको OMR शीट मिलेगी, ये सब इन्होंने मेंशन किया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आप चाहो तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आ सकते हो। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कुछ क्वेश्चंस के लिए, स्टिल यू कैन अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं नेट के जैसे, तो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। अगर यहाँ पे आगे देखें तो यही इन्होंने बोला है कि जो सेकेंड पेपर है 120 मिनट्स का, और इन्होंने एक दो बातें इस पर बताई है जो कि मैं आपको थोड़ी सी देर में क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर इन ऑल स्कीम ऑफ एग्जाम है कि दो पेपर्स होंगे, दो पेपर्स हैं, पहला 1 आवर का, दूसरा 2 आवर का, और टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। अगर अब हम यहाँ पर सिलेबस देख लें, इन ऑल अच्छे से सिलेबस को देख लिया जाए, तो यहाँ पर सिलेबस दिया और उसके साथ साथ सैम्पल क्वेश्चन दिया है। जैसा कि मैंने कहा, हमारा सब्जेक्ट कोड 34 है लाइफ साइंस का, तो हम लाइफ साइंस का सिलेबस यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया, आपको इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना है। पहला वाला जो पेज था उसमें यही बात लिखी गई थी कि ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है ये पूरा का पूरा पुराना है, अभी नए के हिसाब से नहीं है, तो ये आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। यहाँ पर ये जो इन्होंने पेपर टू लिखा है, और नीचे जाके अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे नीचे लिखा होगा पेपर थ्री, ये भी कुछ नहीं है, ये पेपर टू और पेपर थ्री नहीं है, ये पूरा का पूरा सिलेबस हमारा पेपर टू का है। पेपर वन तो जनरल एप्टीट्यूड का है, उसके लिए तो कोई सिलेबस है नहीं, लेकिन पेपर टू के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है, जिसमें अगर हम क्या देखें क्या क्या आता है। सबसे पहली यूनिट है सेल बायोलॉजी, जो कि बहुत बेसिक यूनिट होती है, हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री होगी, बहुत ईजी है। फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, उनके हॉर्मोन्स, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है इसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स इन ऑल अच्छे से इधर से पूछा गया। अगर आपको चाहिए ये सारी के सारे जो PDF है, ये सारे जो लिंक्स हैं, और पेपर जितने भी पेपर्स हैं वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे मेरे, जो कि नाम से है बंसल बायोलॉजी। बंसल बायोलॉजी टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारी की सारी PDF वगैरह मिल जाएगी, तो आप सीधा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आएगा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी आएगा, जिसमें इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन में वही सब हार्डी, वेनबर्ग वगैरह वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके अलावा एनवायरमेंटल बायोलॉजी, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं इकोलॉजी है यहाँ पर, इकोलॉजी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है नेट में भी, तो इकोलॉजी यहाँ पे पूछा गया है। फूड चेन, एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, हाफ से ज़्यादा जो सिलेबस है वो सेम है नेट से, लगभग सब कुछ सेम ही है। फिर यहाँ पे टेक्सोनमी आ गई, वही हमारी डाइवर्सिटी वगैरह, बायोडाइवर्सिटी एंड टेक्सोनमी आ गई, जिसमें आपको नॉमनक्लेचर वगैरह उन सब के बारे में पढ़ना होता है।
अगर हम 8th पार्ट पे देखें, मतलब अगर हम आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर वही कुछ कुछ चीज़ें रिपीट की है, जैसे कि टेक्सोनॉमी है, प्लांट किंगडम पढ़ना पड़ेगा आपको, प्लांट जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा मॉर्फोलॉजी, लाइफ हिस्ट्री प्लांट्स की, एल्गे, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, यानी कि जो हम 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो सभी चीज़ें आपको पढ़नी है, बस डिटेल में पढ़नी होगी। एल्गी, फंजाई, लाइकन्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, उनकी मॉर्फोलॉजी, ये सब चीज़ें पढ़नी है। फिर ये गाइनोजेनेसिस, एंड्रोजेनेसिस, पोलन, पिस्टल किस तरीके से मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन, इनकम्पैटिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम काफ़ी हद तक नेट में भी पढ़ते हैं। उसके अलावा प्लांट्स एंड सिविलाइजेशन किस तरीके से यहाँ पे होता है, फूड, ड्रग, फाइबर, इंडस्ट्रियल वैल्यूज़ क्या क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने इन ऑल बिल्कुल एलैबोरेट करके सिलेबस दिया, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा वाटर रिलेशन के किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल न्यूट्रिशन कैसे होता है, फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप, सब कुछ हमारा 11th क्लास के NCERT में भी है, उधर से हमें शुरुआत करनी है पढ़ने की और अच्छे से हमें डिटेल में जाना है। इसके अलावा फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ऑफ सीड डॉर्मेंसी, जर्मिनेशन, ग्रोथ रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, सेनेसेंस, फोटो रेगुलेशन, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इतना इलैबोरेट करके दिया हुआ है। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी पूरा पढ़ना है, एनिमल फिजियोलॉजी पूरा पढ़ना है, डाइवर्सिटी अच्छे से पूरा पढ़ना है, आप ये समझ सकते हैं इन्होंने बस पूरे अच्छे से इलैबोरेट करके दिया। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, कैसे प्लांट ब्रीडिंग होती है, पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, टेक्सोनॉमी आपको पढ़नी होगी, यहाँ पे अडैप्टिव रेडिएशन, ये थोड़ा सा पार्ट जो इवोल्यूशन का आ गया, प्रोटोकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, ये वाला जो पार्ट है वो एनिमल किंगडम का आ चुका है। उसके अलावा ये पूरा एनिमल फिजियोलॉजी आ गया, सर्कुलेशन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, बायोलुमिनेसेंस, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम एनिमल फिजियोलॉजी। अगर हम इसके आगे देखें तो इसके आगे गैमेटोजेनेसिस इन एनिमल्स, यानी कि ये हमारा आ चुका है डेव बायो वाला पार्ट, डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला पार्ट आ चुका है, जिसमें आपको ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ना होगा, आपको किस तरीके से यहाँ पे टोटिपोटेंसी होती है, इंडक्शन, सेल का इंडक्शन कैसे चलता है, क्लीवेज पैटर्न, गेस्टुलेशन, ये सब आपको पढ़ना है। उसके अलावा फिर यहाँ पे पेरेंटल केयर आ गया, वही अपना एल्ट्रुइज्म, कार्डियन, सर्कैडियन रिदम, मिमिक्री, माइग्रेशन, ये सब हमारा थोड़ा सा मिलता जुलता है इकोलॉजी से, ठीक है, ये थोड़ा काफ़ी हद तक ये इकोलॉजी से ही मिलता जुलता पार्ट है। फिर यहाँ पे आ गया पैरासाइट्स, लाइफ साइकिल बायोलॉजी, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, यानी कि इन शॉर्ट माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड वाला पोर्शन आ गया, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना और इम्यूनोलॉजी थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं, यही सब। फिर आर्थ्रोपोडा, वेक्टर्स ऑफ ह्यूमन डिजीज, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, सिल्क वर्म, इंसेक्ट्स, ये सब आपको पढ़ना है, मतलब आप समझ सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का पार्ट। फिर यहाँ पे DNA कॉन्स्टेंसी, सी वैल्यू पैराडॉक्स, ये सब जेनेटिक्स का पार्ट आ गया। फिर से कौन सा पार्ट आ गया, जेनेटिक्स एंड थोड़ा इवोल्यूशन का आ गया, पॉपुलेशन जेनेटिक्स आ गया। उसके आगे फिर से यहाँ पर आ गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये पूरी की पूरी फिर से यूनिट है सेल बायोलॉजी की। ये जो सिलेबस है इन्होंने बार बार इतना रिपीट इसलिए किया हुआ है क्योंकि पहले जो सेकंड पेपर था और थर्ड पेपर था अलग अलग होता है, लेकिन अब दोनों को मिला के एक कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि आपको पूरा का पूरा सेल बायोलॉजी पढ़ना है, आपको पूरा का पूरा एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है, जेनेटिक्स पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके अलावा यहाँ पर इंटरैक्शन बिटवीन, ये इकोलॉजी का पार्ट हो गया है, फिर से इकोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे आया हुआ है, इकोलॉजिकल नीड, साइकिल्स, ये सब। फिर इकोसिस्टम, सेम यहाँ पे वही वाली बात आ गई, इकोलॉजी का पार्ट है। उसके अलावा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, काइंड ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स, फिशरीज ऑफ इंडिया, बायोलॉजी एंड इकोलॉजी रिजर्व्स, फिर स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन एंड फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्म, फिर से माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट आ चुका है, ये सब। इसके आगे अगर हम पढ़ें तो आगे और क्या क्या पूछा है, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, माइक्रोब्स के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि एक तरीके से इंडस्ट्रीज़ कैसे होती है, बायोफर्टिलाइज़र, बायोफोमेंटर कैसे होता है। फिर यहाँ पे एंटीजन वाला पार्ट आ गया, यानी कि पूरा का पूरा इम्यूनोलॉजी भी आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर एंजाइम काइनेटिक्स, वंस अगेन बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, रामाचंद्रन प्लॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे, रामाचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेम बायोकेमिस्ट्री। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, यानी कि ये सारा मेटाबॉलिज्म का पार्ट आ चुका है, किस तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, थर्मोडायनामिक्स, सेम बायोकेमिस्ट्री का पार्ट आ गया। फिर यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, यूकैरियोटिक जीनोम, DNA रिपेयर, यानी कि मॉल बायो आ गया, मॉल बायो।
ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये सेम आरएनए प्रोसेसिंग वगैरह मॉल बायो का पार्ट है, यहाँ पे ऑपरॉन वगैरह ट्रांसपोजिशन सेम ऑपरॉन का पार्ट है, कैंसर ऑन्कोजीन्स केमिकल कार्सिनोजेंस ये हमारा सेल बायोलॉजी में कैंसर का पार्ट है, कैंसर से रिलेटेबल पार्ट है। तो इस तरीके से अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने नेट के सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया कि कौन सी किससे रिलेट हो रही है यूनिट, ताकि आप आराम से अपनी प्रिपरेशन को कर सके इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट। तो यहाँ पर इतने अच्छे से इन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, सेल बायोलॉजी पढ़नी है, उसके अलावा आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी है, इम्यूनोलॉजी पढ़नी है, कैंसर बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, उसके अलावा यहाँ पर जेनेटिक्स पढ़ना है आपको, डाइवर्सिटी पढ़नी है, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल पढ़नी होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को भी देख लें, तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में जैसे पेपर नंबर 1 अगर मैं आपको बता दूँ, 50 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, यहाँ पर 50 क्वेश्चन में आप थोड़ी सी एक नज़र डाल सकते हैं। वैसे तो मैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, मैं उधर भेज दूंगी, जैसे कि यहाँ पे वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, थ्री डायमेंशनल मॉडल्स की ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स कौन सी होती है, यहाँ पे टीचर गोज थ्रू द स्टूडेंट्स नोटबुक एंड गिव रिमार्क्स, दिस इज कॉल्ड एज, मतलब इन ऑल ये क्या है, इन ऑल कैसे टीचिंग होती है, क्या टीचिंग है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे एथिकल से रिलेटेड। फिर ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ पैसेजेस हैं, पैसेजेस को देख के आपको आंसर्स करने हैं उस हिसाब से, पर सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सब एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर पेपर 2 के बारे में देखें, पेपर 2 जो कि हमसे रिलेटेड है, यानी कि लाइफ साइंस से रिलेटेड है, तो इसमें आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस से रिलेटेड होते हैं। ये जो क्वेश्चन है अगर हम देखें, ये ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते, इसका जो लैंग्वेज होती है वो भी सिंपल है, और ये जो है लेंदी भी नहीं है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोनोसेक्राइड्स इज ट्रू, मोनोसेक्राइड से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। फिर यहाँ पर इन अ नेव टी सेल रिकॉग्नाइज एज एंटीजन एमएससी कॉम्प्लेक्स ऑन एन अप्रोप्रिएट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और टारगेट सेल इट विल बी एक्टिवेटेड इनिशिएटिंग, किसका क्वेश्चन है ये, इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है ये, मेटाबॉलिज्म का क्वेश्चन है, ऐसे बहुत, मतलब अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है ना लाइफ साइंस, आप आराम से इस पेपर को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। रामाचंद्रन प्लॉट में भी आप देख सकते हैं कितने इजी से क्वेश्चंस आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने रामाचंद्रन प्लॉट को अच्छे से पढ़ा है तो। ऐसे कुछ आपसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको किसी भी तरीके से कन्फ्यूज नहीं किया जा रहा, डायरेक्टली पूछा गया, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन ऑल टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने कहा आपको ये पेपर भी मिल जाएगा आराम से हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज़ बाय बिंसल बायोलॉजी, जितने भी पेपर। तो गाइज ये होता है इन ऑल सेट एग्जामिनेशन के बारे में, आई होप आपको ये जो है वीडियो हेल्पफुल करेगा, आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप पेपर देने का सोच रहे हैं तो ज़रूर दीजिए सेट एग्जामिनेशन, महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन सब स्टूडेंट्स दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से दीजिए, आराम से अपीयर होइएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगी, और बाकी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल ही जाएगी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच गाइज।